असलम मैं वी वन वेलकम टू वे लर्न इंग्लिश विद ईजी लैसन आज संडे है सन्डे को आपके रिक्वेस्टेड वर्ड्स को एक्सप्लेन करती है तो चले शुरू करते हैं आज का जो पहला रिक्वेस्टेड वर्ड है वह है जो इंडिग्नेंट ये एडजेक्टिव है इंडिग्नेंट और इसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ एंगर और अनोन्स एट वाट इज़ प्रसिवड एज अनफेयर ट्रीटमेंट देखें कोई इंसान अगर उसको ये लगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है और उस गलत जो उसको फील हो रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है उसकी वजह से उसको जो गुस्सा आता है या उसकी जो नाराज़गी होती है गुस्सा और नाराजगी एंगर और अनोन्स ठीक है ये जो गुस्सा और नाराजगी है इस वजह से एक इंसान को यह लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है उस गुस्से और उस नाराजगी को हम इंडिग्नेट कहते हैं इसको मैं आपको सेंटेंसेस में एक्सप्लेन करती हूँ शी फेल्ट इंडिग्नेट व्हेन हर हार्ड वर्क वाज क्रेडिटेड टू समवन एल्स ठीक है ना उस, उस उसको बहुत गुस्सा आया या उसके अंदर बहुत नाराजगी जो थी भर के इस सेंटेंस में गुस्सा जो ट्रांसलेशन है वो ज़्यादा सूटेबल है तो शी फेल्ट इनडिग्नेंट मतलब उसको काफ़ी गुस्सा आया वेन हर हार्ड वर्क जब उसकी मेहनत वेडिट Else, कि वो किसी और मेहनत का जो होता है कि काम किसी और, किया होता है और उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है तो फिर क्या होता है, इंदिग, फील करता है। मतलब उसको बहुत गुस्सा आता है काम तो सारा मैंने किया हार्डवर्क तो सारा मैंने किया और तारीफ जो है ये दूसरे भाई साहब की हो गई है ठीक है तो इसको आप इंडिग्नेंट कहेंगे इसी तरह से एक और सेंटेंस देखते हैं हर इंडिग्नेट रिस्पॉन्स टू द रूल कॉमेंट मेरी क्लियर दैट शी वुड नॉट ऑलवेर डिसरेस्पेक्ट ठीक है ना रूड कॉमेंट उसको मिला अब उस रूड कमेंट पे उसको इंडिगनेंट उसने जो है रिस्पांस दिया उसका रिस्पांस क्यों इंडिग्नेट है आपका मतलब कि उसने गुस्से से रिस्पॉन्स दिया ठीक है ना क्योंकि उसका जो जो रूड कॉमेंट था उसने उसको गुस्सा दिलाया और उस रूड कॉमेंट पे उसने इंडिग्नेट रिस्पॉन्स दिया मतलब गुस्से वाला रिस्पॉन्स दिया और जाहरी बात है कि उसका गुस्से वाला जो रिस्पॉन्स था दैट मेड इट क्लियर कि उसने इस चीज़ को वाजिया कर दिया कि वो डिसरिस्पेक्ट को जो है मतलब अपनी इंसल्ट को बदतमीजी को वो टॉलरेट नहीं करेगी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी ठीक है तो ये तो हो गया जी इंडिग्नेट अब आ जाते हैं हम एक और वर्ड है इंडिजनस ये दोनों मिलते जुलते वर्ड्स लगते हैं लेकिन इनका जो मीनिंग है वो इंटायरली डिफरेंट है जैसे इंडिजनस जो होता है इसको हम कहते हैं कोई भी चीज समथिंग ओरिजिनेटिंग और अक्रिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस जिसको हम नेटिव भी बोलते हैं ठीक है इंडिजिनस और नेटिव जो है इसको आप एक दूसरे का सिनोनिम समझ सकते हैं इंडिजिनस वो चीज़ होती है जो किसी इलाके की अपनी खास किस्म की कुछ जो उस इलाके की अपनी कोई चीज़ हो जैसे हर इलाके के जो लोग होते हैं वो एक अपना उनका एक कपड़ो कपड़े पहनने का स्टाइल होता है ठीक है आप किसी भी इलाके में चले जाएं आप राजस्थान में चले जाएं उनका अपना एक कपड़े पहनने का स्टाइल है आप पंजाब में आ जाए उनका अपना एक कपड़े पहनने का स्टाइल है ठीक है मतलब एक ख़ास उनका कल्चर होता है कपड़े पहनने का इसी तरह खानों का अगर आप फूड को ले लें तो किसी भी इलाके में चले जाएँ हर इलाके का अपना एक ट्रेडिशनल फूड होता है जो किसी इलाके की रवायात होती है ना उनको आप कहते हैं कि वो उनकी इंडिजनस रवायात है मतलब जो सदियों से चलती हुई आ रही है वो उसी इलाके के रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने ही उन रवायात को अडोप्ट किया चाहे वो खाना हो गया रहन सहन का तरीका हो गया शादी ब्याह का तरीका हो गया आ, कपड़े पहनने का तरीका हो गया जुबान का तरीका हो गया इसी तरह से और भी बहुत सी कल्चरल चीज़ें होती हैं ठीक है ठीके? जो किसी ख़ास इलाके के लोगों की अपनी मतलब उन्हीं लोगों ने सदियों से वो चीज़ें अडॉप्ट की और वो चलती आ रही तो उन चीज़ों को हम इंडिजिनस कहते हैं जिसको उर्दू में आप मुकामी कहेंगे जी यहाँ की मुकामी जुबान ये है ठीक है होती ना हर इलाके की अपनी एक मुकामी जुबान है अपनी एक जुबान होती जो वहां के रहने वाले लोग बोलते हैं उसको उस इलाके के आप इंडिजिनस लैंग्वेज कहेंगे इसी तरह से यहाँ का जो मुकामी खाना है वो ये है तो उस खाने को आप उस इलाके का इंडिजिनस फूड कहेंगे तो आई होप कि इंडिजिनस क्लियर हो गया होगा इसके सेंटेंसेस देखते हैं इंडिजिनस आर्ट ऑफर रिफ्लेक्ट्स द कल्चर एंड ट्रडिशन ऑफ़ द नेटिव कम्युनिटी ठीक है ना जो भी नेटिव कम्युनिटी होती है उस कम्युनिटी का जो इंडिजिनस आर्ट होता है वो उस इलाके का कल्चर और ट्रेडिशन जो है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है किसी भी अपने इलाके का एक आर्ट होता है जैसे उस आर्ट में बहुत सी चीज़ें आ सकती है उसमें पेंटिंग आ सकती है उसमें म्यूज़िक आ सकता है उसमें थिएटर आ सकता है कुछ भी आ सकता है आर्ट बहुत वसी होता है तो किसी भी इलाके का जो आर्ट होता है जो वहाँ के लोग करते पोइट्री भी उसी में होती है जो लिखाई होती है राइटिंग जैसे नावल्स वगैरह लिखना ये सब चीज़ें जो है वो उस इलाके के कल्चर को उसके ट्रेडिशन को जो है ना वो रिफ़्लेक्ट करती हैं जो भी इंडिजनस आर्ट होता है जो किसी इलाके का मुकामी जो आर्ट होता है

सान किसी ख़ास फील्ड में अगर वो उसकी पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो बड़ा स्किल्ड है बड़ा कॉम्पिटेंट है मतलब बड़ा ही वो माहिर है एक्सपर्ट है तो उसको हम प्रोफिशंट कहेंगे उस स्किल का उस ख़ास फील्ड का इसके जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं शी इज़ प्रोफिशेंट इन सेवरल लैंग्वेज इंक्लूडिंग अरबिक एंड फ्रेंच एंड चाइनीज जो भी आप मतलब एग्जाम्पल में लिखना चाहते हैं ठीक है थीके? क्या मतलब वो माहिर है शी इज़ प्रोफिशंट वो माहिर है इन सेवरल लैंग्वेजेस बहुत सारी लैंग्वेजेस में जिसमें कि अरबिक और फ्रेंच भी है आप कुछ भी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं ठीक है थीके? इसी तरह से ही इज़ प्रोफिशन एट सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स क्विकली मतलब वो बड़ा माहिर है कि वो जो मैथमेटिक के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको वो बहुत क्विकली बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी से जो है ना वो उनको सॉल्व कर लेता है क्योंकि वो मैथमेटिक्स में बहुत ही प्रोफिशेंट uh, है मतलब बहुत स्किल्ड है वो बड़ा कॉम्पिटेंट है वो बड़ा माहिर है वो ठीक अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी मेलन खोली uh, जो है ये नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है इसको समझ लीजिए जो पहला मीनिंग है ना ये नाउन के तौर पर है इसका है अ डीप लॉन्ग लास्टिंग सैडनेस जिसको हम कहेंगे गहरी उदासी उर्दू में जो कहेंगे ठीक है वो गहरी उदा अब ये नाउन के तौर पर है इसको भी मेलिखोली बोलेंगे और इसी तरह से अगर आप एडजेक्टिव के तौर पर कहेंगे то udas. Uh, जैसे उदास तासरात उदास स्माइल ठीक है क्योंकि जाहिर बात है जब एडजेक्टिव के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी नाउन को एडजेक्टिव किसी नाउन को जो है वो एक्सप्लेन उसके बारे में, में कोई इन्फॉमेसन दे रहा होता है ठीक है तो फिर मेलनकोली जो है वो उदास स्माइल उदास उदासप्रेशन उदास बॉडी लैंग्वेज मेलनकोली बॉडी लैंग्वेज ठीक है तो उसके लिए जो एडजेक्टिव के तौर पर जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे मैं आपको दोनों तरह के सेंटेंसेज देती हूँ पहला सेंटेंस जैसे है अब ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर मेलनकोली और क्या है दिस फेंट Thank

जो ये नाउन है तो अब नाउन को जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहा है तो मैंने खोली तो यहाँ पर एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है पहले सेंटेंस में हमने नाउन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया ठीक है आई होप के समझ में आ गया होगा नेक्स्ट आ जाता है वो है जो contemptuous uh, contemptuous जो है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शोइंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समथिंग और समवन मतलब किसी की uh, आप मतलब शो करना कि आप किसी इंसान की या किसी चीज़ की इज्जत नहीं करते हैं ठीक है तो यू आर बींग कंठेम्पुअस टूवर्ड्स दैट थिंग ठीक है जैसे आप किसी इंसान के सामने आपका मतलब रवैया ऐसा हो कि आप उसको नीचा दिखा रहे हैं तो आपका वो जो रवैया है ना वो कंठेम्पस है मीन्स कि आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे इसी तरह से जैसे किसी ट्रेडिशन के बारे में कोई इंसान जो है किसी जगह के बारे में किसी ख़ास इलाके के बारे में कहीं की रवायात के बारे में कुछ ऐसा जुमला बोल दे तो उसके ऐसे कॉमेंट को हम जो है ना कंटेम्पियस कॉमेंट कहेंगे मतलब कि तुम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो आ, उस फँ रवायत को उनकी ट्रेडिशन्स को जो भी मतलब किसी के बारे में भी जो किसी चीज़ के बारे में जो भी ऐसा कॉमेंट जो है वो मतलब दिया गया तो कंटेम्पस का मतलब ये होता है कि आप लैक ऑफ रिस्पेक्ट जो है वो शो कर रहे हैं मतलब आप ये शो कर रहे हैं कि आपकी नज़र में उस चीज़ की या उस इंसान की कोई इज्जत नहीं है कोई वक्त नहीं है कोई अहमियत नहीं है ठीक है तो अब इसको सेंटेंस में देख लेते हैं शी वॉज़ कंटेम्पस टूवर्ड्स मी मतलब उस वो जो थी ना वो मेरी तरफ आ, अब इसको उर्दू में हमारे पास कंटेम्प का जो है ना वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है कि वो मेरी तरफ क्या थी मतलब रूड कहेंगे हम बदतमीज थी वो मेरी तरफ या मतलब कि वो मेरे साथ उसका ऐसा रवैया था कि वो इंसल्टिंग था बदतमीजी वाला रवैया था कि जैसे वो मेरी बेजती वाला रवैया था ठीक है इस तरह का उसका रवैया था मेरी तरफ कि जैसे वो मेरी बेजती कर रही है ठीक इसी तरह से सेंटेंस होगा सेकेंड सेंटेंस है द वेल्दी बिजनेस मैन हैव अ कंटेम्पियस एटीट्यूड टूवर्ड्स फूअर कि जो बड़ा ही अमीर किस्म का जो बिजनेस मैन है उसका जो एटीट्यूड है गरीब इंसान की तरफ वो क्या है वो कंटेम्पियस है मतलब बड़ा ही इंसल्टिंग है बेजती वाला जो है वो उसको बड़ा नीचा दिखा रहा है कि भाई देखो मैं तो बड़ा वेल्दी हूँ ये पुअर है तो, मतलब इस तरह कर तो contemptuous एटीट्यूड है उसका ठीक अब आ जाते हैं जी हम नेक्स्ट वर्ड पे, वो है जी एम्बिगुअस Ambiguous Ambitious जो है ना ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अनक्लियर कोई चीज़ एम्बिगुअस है इसका मतलब है कि वो चीज़ क्लियर नहीं है उस चीज़ के, के बारे में जो है ना मतलब डाउट uh, है वो चीज़ क्लियर नहीं है मतलब मुबहम जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ अगर वो मुबहम है तो वो एम्बिगुस है ठीक मतलब क्लियर नहीं है वो चीज जैसे कोई इंस्ट्रक्शन किसी ने आपको बताया ये 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 करना है और आपको समझ ही नहीं उसने बहुत मतलब क्लियर अंदाज में नहीं बताया आपको कभी ये करना है फिर ये करना फिर मतलब बहुत ही उसने अनक्लियर uh, अंदाज में आपको बताया तो उसकी जो इंस्ट्रक्शन थी जो उसने आपको दी थी हदायत जो दी थी वो एम्बिग्युअस थी ठीक है आई होप के क्लियर हो गया होगा सेंटेंस देख लेते हैं द मैप वॉज एम्बिग्यूअस इट वॉज हार्ड टू टेल विच वे टू गो कोई मैप है आपके पास किसी जगह पर है आप और वो मैप जो है वो एम्बिगुअस है मतलब क्लियर नहीं है बड़ा अनक्लियर किस्म के आपको समझ ही नहीं आ रही है कि किस तरफ को जाना है ठीक है तो वो मैप क्या हो गया वो एम्बिग्यूस हो गया इसी तरह से जो टीचर्स इंस्ट्रक्शन हुआ एम्बिग्युअस कि टीचर की जो हदायत थी जो इंस्ट्रक्शन थी वो वो एम्बिगुअस थी कॉजिंग कन्फ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स कहीं जाहिर बात है अगर टीचर की हदायत जो है सचिज जो है वो इम्बिगुस होंगे तो ज़ाहिर स्टूडेंट्स जो होंगे वो कन्फ्यूज होंगे मतलब टीचर ने अगर टेस्ट के बारे में किसी या एग्जाम के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन दी हैं लेकिन वो उसने इतनी इंबिगुस किस्म की दी हैं कि स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आई और स्टूडेंट्स जो है वो कन्फ्यूज़ हो गए है ओके okay, जी यहाँ पर लेसन ख़त्म होता है आई होप कि आपको आज के लिस्ट में जितने भी वर्ड्स है सारे आपको समझ में आ गए होंगे नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ के सॉरी नेक्स्ट संडे के लिए जो नेक्स्ट वीक के लिए आप अपने रिक्वेस्टेड वर्ड्स जो है वो कॉमेंट uh, सेक्शन में लिख सकते हैं इतना मैं नेक्स्ट वीक में उनको एक्सप्लेन करूंगी ओके जी हाफि